टीवी ए की पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है, टीवी बी में आपको ब्लैक्स बहुत शानदार देखने को मिलेंगे, लेकिन सी और ए में उतने अच्छे ब्लैक्स आपको नहीं मिलेंगे, और टीवी सी के अंदर जो कलर ऑप्टिमाइजेशन है, वाओ, उसकी क्या बात है। लेकिन बी और ए में आपको वैसी कलर ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल ही नहीं सकती। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो इसी कंफ्यूजन का एंड मैं आपको इस वीडियो में करने वाला हूं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VM1। मेरा नाम है विनीत और आज मैं सैमसंग क्रिस्टल प्रो, LG UP7500 और सोनी के X74 के अंदर ऐसा कंपैरिजन आपको करके दिखाऊंगा, आपको तो पता ही है वो आपने कहीं भी YouTube पे देखा ही नहीं होगा। आप अगर इस चैनल से पहले से जुड़े हैं तो आप ये बात जानते हैं कि मैंने इन तीनों ही टीवीज को खुद खरीदा है रिव्यूज बनाने के लिए। मैंने इन तीनों ही टीवीज पे अनबॉक्सिंग और रिव्यू ऑलरेडी बनाया हुआ है, जो आपको ये और ये वीडियोस मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगे। आप इन्हें भी जरूर देखिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखे। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं उन बातों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करूंगा जो मैंने ऑलरेडी इन तीनों वीडियोज में आपको बताई हैं। मैं इस वीडियो में ज्यादातर फोकस करूंगा पिक्चर क्वालिटी, टेस्टिंग और इन तीनों ही टीवीज के बीच में डिफरेंसेस पे। उससे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इन तीनों ही टीवीज में से कौन सा टीवी अपने लिए लेना चाहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। LG UP7500 आता है मीडियम बेजल डिजाइन के साथ और इसकी बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की बनी है, यानी प्लास्टिक का फ्रेम और प्लास्टिक की बैक, और इसकी बैक साइड आपको थोड़ी सी थिक देखने को मिलेगी क्योंकि ये डीलेड पैनल है। ये 4K टीवीज हैं, अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन के साथ आते हैं और इनमें आपको 8-bit FRC, IPS या फिर VA पैनल देखने को मिलेगा, जिनकी पीक HDR ब्राइटनेस चली जाती है 330 nits तक। LG के इस टीवी के अंदर आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। LG के टीवी के अंदर आपको दो HDMI पोर्ट्स मिलते हैं, जिसमें से एक EARC सपोर्ट करता है, एक USB पोर्ट मिलता है, एक ऑप्टिकल पोर्ट भी मिलता है और एक LAN पोर्ट भी, और इसके अलावा आपको एंटेना और हेडफोन जैक भी देखने को मिलेगा, 2-way Bluetooth 5.0 और डुअल बैंड Wi-Fi की कनेक्टिविटी ऑप्शंस के साथ। LG के इस टीवी को बूट अप करने के लिए हार्डली 5 सेकंड्स लगते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। LG के इस टीवी के अंदर आपको WebOS 6 देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है और बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। इस OS के अंदर आपको सभी टाइप की OTT एप्स प्री डाउनलोडेड मिलेंगी और जो डाउनलोडेड नहीं है वो आप LG के ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी कि इस टीवी के अंदर आप एक्सटर्नली कोई भी ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकते, यानी आप अगर चाहें कि आप एक USB से APK डाउनलोड कर लें इस टीवी के अंदर तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस OS की ऑप्टिमाइजेशन बिल्कुल Google OS की तरह करी गई है, जिसमें आपको कंटेंट होम स्क्रीन पे ही दिखने लगेगा और आप जिस टाइप के कंटेंट और चैनल्स को देखते हैं उन्हीं के सजेशंस आपको होम स्क्रीन पे ही मिलने लगेंगे। सैमसंग क्रिस्टल प्रो के अंदर आपको स्लिम बेजल डिजाइन देखने को मिलता है और इसके अंदर भी आपको प्लास्टिक बॉडी और प्लास्टिक ही फ्रेम देखने को मिलेगा। इस टीवी के अंदर आपको 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन मिलेगा 8-bit FRC VA ईलेट पैनल के साथ, जिसकी पीक HDR ब्राइटनेस है 350 nits। इस टीवी के अंदर आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा और ये टीवी आता है HDR10 और HLG की सपोर्ट के साथ। सैमसंग के इस टीवी के अंदर आपको 3 HDMI पोर्ट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक EARC सपोर्ट करता है, एक USB पोर्ट देखने को मिलेगा, एक ऑप्टिकल पोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन हेडफोन जैक आपको इस टीवी में नहीं मिलेगा। ये टीवी ब्लूटूथ 5.2 की सपोर्ट के साथ आता है और इसमें आपको डुअल बैंड Wi-Fi की सपोर्ट भी देखने को मिलेगी। सैमसंग के इस टीवी का बूटअप टाइम भी अप्रोक्सीमेटली 5-6 सेकेंड्स है, विच इज वेरी गुड, लेकिन बूटअप होने के बाद ये टीवी 5-10 सेकेंड लेगा सारे कंटेंट को स्क्रीन पे अच्छे से डिस्प्ले करने के लिए।
सैमसंग का ये टीवी टाइजन के लेटेस्ट ओएस वर्जन के साथ आता है। इस टीवी के अंदर आपको ऑलमोस्ट सभी टाइप की ओटीटी एप्स प्री डाउनलोडेड मिलेंगी और जो एप्स इसमें डाउनलोडेड नहीं है उन्हें आप सैमसंग के एप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन सैमसंग स्टोर के अंदर अगर आपकी पसंद की ऐप नहीं है तो उसे आप एक्सटर्नली एपीके के थ्रू डाउनलोड नहीं कर पाएंगे सैमसंग के इस टीवी के अंदर भी। अदरवाइज ओएस बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज है और आपको आपकी पसंद के कंटेंट के सजेशंस भी होम स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे। लेकिन ये ओएस एक्सपीरियंस एलजी के वेब ओएस की तरह ऑप्टिमाइज और बहुत स्मूथ नहीं है। सोनी X74 के अंदर आपको मीडियम बेजल डिजाइन देखने को मिलेगा और सोनी के इस टीवी के अंदर भी आपको प्लास्टिक फ्रेम और प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलेगी, लेकिन ये बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा शानदार है। ये टीवी 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन के साथ आता है और इसमें आपको मिलता है 8-bit FRC IPS D-LED पैनल जिसकी पीक HDR ब्राइटनेस चली जाती है 360 निट्स तक। इसमें आपको 50 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। सोनी X74 के अंदर आपको HDR10 और HLG की सपोर्ट देखने को मिलेगी। इस टीवी के अंदर आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे जिसमें से एक ARC सपोर्ट करेगा, 2 USB पोर्ट्स मिलेंगे, एक ऑप्टिकल पोर्ट भी मिलेगा और एक हेडफोन जैक भी मिलेगा और LAN पोर्ट के साथ साथ आपको ब्लूटूथ 4.2 और डुअल बैंड वाईफाई कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगी। सोनी टीवी एंड्रॉइड 10 OS पे बेस्ड है और इसे बूट अप होने में अप्रोक्सीमेटली 20 से 30 सेकेंड्स के बीच में टाइम लगता है। ये किसी भी एंड्रॉइड टीवी के अंदर मिलने वाला एक नॉर्मल सा इशू है कि उसे ऑन होने में अप्रोक्सीमेटली 20 सेकेंड्स का टाइम लगता ही है, लेकिन एक बार ऑन होने के बाद ये OS पूरी तरह से ऑप्टिमाइज है और रेडी टू यूज है। और Android OS किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। इसके अंदर आपको सभी टाइप की एप्स होम स्क्रीन पे देखने को मिलेंगी और प्ले स्टोर से आप वो सारी एप्स डाउनलोड कर सकते हैं जो इस टीवी में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड नहीं है। और अगर कोई ऐप प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल नहीं है तो आप एक्सटर्नली कोई भी APK इस टीवी में डाउनलोड कर पाएंगे। अब बात करते हैं अपस्केलिंग कैपेबिलिटीज के बारे में। आप देख सकते हैं कि LG, Samsung और Sony तीनों ही TVs के अंदर आपको अपस्केलिंग HD चैनल्स की बहुत ठीक ठाक देखने को मिल रही है। इन तीनों TVs के अंदर आपको सबसे अच्छी HD चैनल्स की अपस्केलिंग Sony के अंदर मिलती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। HD चैनल्स को अगर अब हम देखें तो HD चैनल्स के अंदर भी तीनों TVs बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अगेन थोड़ी सी बेटर अपस्केलिंग आपको सोनी में ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन LG और Samsung बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है और उनके अंदर भी आपको अच्छी अपस्केलिंग देखने को मिलेगी HD चैनल्स की। लेट मी टेल यू कि SD और HD दोनों चैनल्स मैंने HD सेट टॉप बॉक्स से प्ले करे हैं इन तीनों ही TVs के अंदर। अब हम अपस्केलिंग को टेस्ट करते हैं USB या फिर हार्ड ड्राइव को तीनों ही TVs के साथ लगा के अलग अलग टाइप के वीडियो फॉर्मेट्स जो कि अलग अलग रेजोल्यूशन के हैं उन्हें प्ले करके। सबसे पहले जो आप देख रहे हैं वो है 720p फॉर्मेट और उसके अंदर आप तीनों ही TVs की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देखेंगे और ये तीनों TVs 720p के फॉर्मेट को बहुत अच्छे से अपस्केल करके इन 4K TVs पे दिखा रहा है। अब जो आप देख रहे हैं वो है 1080p फॉर्मेट और इसके अंदर भी तीनों ही TVs की बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। आपको यहां पे कलर्स नोटिस नहीं करने, आपको सिर्फ TVs की अपस्केलिंग कैपेबिलिटीज को नोट करना है जो कि तीनों ही TVs में बहुत शानदार है। ये तीनों ही TVs
4K वीडियोस को भी USB ड्राइव से बहुत आराम से प्ले करते हैं, और ये आप जो देख रहे हैं वो है USB से प्ले करी हुई 4K वीडियो फॉर्मेट। तीनों ही टीवीज के अंदर बहुत ही शानदार अपस्केलिंग आपको देखने को मिलती है और किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम तीनों ही टीवीज में नहीं है। अब हम इन तीनों ही टीवीज पे कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तीनों ही टीवीज पे जो अब आप देख रहे हैं वो है डिमिंग टेस्ट। इसके अंदर घूमते हुए सर्कल पे बहुत ज्यादा नोटिस करें और उसमें आपको हेलो या फिर ब्लूमिंग देखने को मिलेगी तीनों ही टीवीज में। लेकिन बहुत ध्यान से नोटिस करें, आपको LG टीवी के अंदर दिख रही है ब्लूमिंग, लेकिन वो थोड़ी सी कंट्रोल्ड है। सैमसंग टीवी के अंदर ये ब्लूमिंग सबसे ज्यादा है और सोनी टीवी में सबसे कम है। इस चीज को बार बार नोटिस करें और हो सके तो वीडियो को पॉज करें और स्पीड को कम करके भी इसे नोटिस करें, आपको ये फर्क साफ पता चलेगा। अब जो आप देख रहे हैं वो है ग्रे यूनिफॉर्मिटी टेस्ट इन तीनों ही टीवीज पे। इन तीनों टीवीज पे सबसे पहले हम 20% ग्रे स्क्रीन लगाएंगे, उसके बाद 40%, उसके बाद 60%, फिर 80% और फिर 100%। इन तीनों ही टीवीज की ग्रे यूनिफॉर्मिटी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और इन तीनों ही टीवीज में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिली। हमने इन तीनों ही टीवीज पे ब्राइटनेस का भी टेस्ट किया और आप अपनी स्क्रीन पे इन तीनों ही टीवीज के ब्राइटनेस टेस्ट का रिजल्ट देख सकते हैं। इन तीनों ही टीवीज का हमने स्ट्रेस टेस्ट भी किया और उसके अंदर आपको फ्लोटिंग स्टार्स में हेलो या फिर ब्लूमिंग देखने को मिलेगी तीनों ही टीवीज में। इन तीनों ही टीवीज के अंदर जो हेलो है वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। LG नंबर 2 पे आता है, सैमसंग नंबर 3 पे, लेकिन नंबर 1 पे सोनी है। इसको बहुत ध्यान से चेक करने के लिए अब हम करते हैं हेलो टेस्ट। आपको इस हेलो टेस्ट के अंदर विंडमिल के चलते हुए ब्लेड में थोड़ा सा ब्लर या फिर हेलो देखने को मिलेगा। सबसे कम आपको हेलो मिलेगा सोनी में, उससे थोड़ा सा ज्यादा LG में और उससे थोड़ा सा ज्यादा सैमसंग में। चाहे तो आप इस वीडियो को पॉज करके देखें या फिर इस वीडियो की स्पीड को कम करके देखें तो आप इस हेलो को बहुत अच्छे से नोटिस कर पाएंगे। अब हम नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम पे इन तीनों ही टीवीज की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं और जो आप मूवी इस समय इन तीनों टीवीज पे देख रहे हैं वो है एक डॉल्बी विजन कंटेंट, लेकिन तीनों ही टीवीज के पैनल डॉल्बी विजन को सपोर्ट नहीं करते। इस केस में इन तीनों ही टीवीज में आपको 4K HDR में ये मूवी देखने को मिलेगी, ना कि डॉल्बी विजन में। HDR 10 कंटेंट तीनों ही टीवीज में बहुत शानदार तरीके से प्ले होता है क्योंकि तीनों टीवीज HDR 10 की सपोर्ट के साथ आते हैं। आप HDR 10 कंटेंट को Amazon प्राइम पे ये चलता हुआ देख सकते हैं और इसके अंदर आपको बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस तीनों ही टीवी से देखने को मिल रही है। देखो आप पिक्चर पोज कर दिखा देते हैं, ये जगह जितनी खूबसूरत दिखती है ना उससे कहीं ज्यादा खतरनाक। YouTube की परफॉर्मेंस भी तीनों ही टीवीज की बहुत शानदार है और आप तीनों ही टीवीज पे YouTube पे चलता हुआ सेम कंटेंट देख सकते हैं और उसमें आप देखेंगे कि तीनों ही टीवीज बहुत शानदार तरीके से HDR कंटेंट को प्ले कर पा रहे हैं। ये कंटेंट HDR है और तीनों ही टीवीज 4K HDR कंटेंट प्ले करने में किसी टाइप की कोई परेशानी नहीं दे रहे। तीनों टीवीज की कलर परफॉर्मेंस बिल्कुल डिफरेंट है, जिसके बारे में मैं आपसे आगे जरूर बात करूंगा। अब आप देखेंगे इन तीनों ही टीवीज का ऑडियो परफॉर्मेंस और वन बाय वन हम इन तीनों टीवीज से कंटेंट को प्ले करेंगे और 75% वॉल्यूम पे ही ये प्ले होंगे।
अब हम बात करेंगे टीवी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्यूइंग एंगल्स के बारे में, और इसे देखने के लिए हम सेम फुटेज को बिल्कुल सामने से और एक्सट्रीम साइड से जाके चलाएंगे। तीनों ही टीवीज में आपको रिजल्ट्स बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलेंगे और ये बहुत चौंकाने वाली बात है। सबसे पहले हम बात करते हैं LG टीवी के बारे में, और LG टीवी के अंदर सामने से देखने में आपको बहुत शानदार कलर्स देखने को मिल रहे हैं। आपको कलर की वाइब्रेंसी बहुत अच्छी देखने को मिलती है और ब्लैक्स भी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, बिकॉज क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने इस VA पैनल टीवी को अरेंज किया है। इस VA पैनल में आपको बहुत शानदार ब्लैक्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यही टीवी जब हम साइड से देखते हैं तो इसके अंदर आपको अप्रॉक्सीमेटली 25% कलर्स का वॉशआउट और ब्राइटनेस का वॉशआउट देखने को मिलता है। यानी आपको कलर और ब्राइटनेस का अप्रॉक्सीमेटली 25% लॉस इसी फुटेज में देखने को मिल रहा है। सैमसंग टीवी की बात करें तो उसमें सामने से आपको बहुत अच्छे वार्म कलर्स देखने को मिलते हैं और आपको बहुत डीप ब्लैक्स देखने को मिलते हैं, और उसका कारण यह है कि सैमसंग का काफी ब्राइट पैनल है। इसमें आपको कलर्स और ब्राइटनेस में सामने से देखने में कोई भी किसी टाइप की परेशानी नहीं होगी, लेकिन यही टीवी जब बिल्कुल एक्सट्रीम साइड से हम देखते हैं तो उसके अंदर भी आपको 25% तक का कलर और ब्राइटनेस का लॉस देखने को मिलता है। यानी कलर्स और ब्राइटनेस वॉश आउट हो जाते हैं अप टू 25%। ये एक VA पैनल की बेसिक प्रॉपर्टी है, और आप कोई भी टीवी लेंगे VA पैनल का उसमें आपको ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सोनी टीवी के अंदर आप जब सामने से टीवी को देखते हैं तो इतने शानदार कलर्स आपको देखने को मिलते हैं कि एक्चुअली में आपको लगता है दैट दीज आर लाइफ लाइक रियल कलर्स, दे आर ट्रूली मैग्निफिसेंट। बहुत ही शानदार कलर्स और बहुत ही अच्छे ब्लैक्स आपको इस IPS पैनल टीवी से देखने को मिलते हैं, और जैसे ही आप साइड पे आते हैं आपको ऑलमोस्ट 90% वही सेम कलर्स और वही सेम ब्राइटनेस इस टीवी से देखने को मिलेगी, बिकॉज इट इज एन IPS पैनल, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। इस टीवी से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कलर्स और ब्लैक्स की मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी एक्सट्रीम साइड पे जाने पे। बात करते हैं रिमोट कंट्रोल की, तो LG UP7500 के अंदर आपको एक सिंपल रिमोट कंट्रोल देखने को मिलता है विच इज फुल्ली फंक्शनल, और उसमें आपको 4 हॉटकीज भी देखने को मिलेंगी, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार और मूवीज की, लेकिन इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट का बटन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप एक मैजिक रिमोट इस टीवी के साथ लेना चाहते हैं तो वो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा इंस्टॉलेशन टीम से, और मैंने उसे खरीदा था 900 रुपीज में, लेकिन कई लोगों को वो 2000 या फिर 2500 रुपीज तक का भी पड़ रहा है। आप अगर LG में कस्टमर केयर में फोन करके अपनी रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको ये रिमोट कंट्रोल 900 या उसके आसपास कॉस्ट कर सकता है। इस बात को इस टीवी खरीदते समय जरूर याद रखिएगा। सैमसंग टीवी के अंदर आपको एक मिनिमलिस्टिक डिजाइन का अच्छा रिमोट कंट्रोल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको वॉइस असिस्टेंट की सपोर्ट भी रिमोट कंट्रोल में देखने को मिलेगी। इसमें आपको 3 हॉटकीज मिलेंगी, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम और सैमसंग टीवी प्लस की। सोनी टीवी के अंदर आपको एक फुल्ली फंक्शनल रिमोट कंट्रोल देखने को मिलता है, जिसमें आपको 4 हॉटकीज मिलती हैं, YouTube म्यूजिक, नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम की। इसमें भी आपको वॉइस असिस्टेंट का एक डेडिकेटेड बटन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं तीनों ही टीवीज की पिक्चर क्वालिटी के बारे में, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए आपके लिए एक टीवी को खरीदने से पहले। सबसे पहले बात करते हैं LG टीवी के बारे में। इस टीवी के अंदर आपको बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है, कलर्स बहुत शानदार हैं,
बहुत क्लोज हैं नेचुरल पिक्चर प्रोफाइल के, एंड आई विल से कि ये सैचुरेटेड कलर्स मिलते हैं आपको इस टीवी में। इसमें आपको ब्लैक्स भी अच्छे देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, और इसमें कॉन्ट्रास्ट रेशो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट दैट इज़ ओके, आपको ब्लैक्स फिर भी इस टीवी के अंदर अच्छे दिखेंगे। HDR परफॉर्मेंस इस टीवी की बहुत ज़्यादा अच्छी है और आपको उसमें किसी टाइप की कंप्लेंट देखने को नहीं मिलेगी। इस टीवी में आपको मोशन ब्लर देखने को मिलेगा, लेकिन ये मोशन ब्लर बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है और हर बजट 4K टीवी के अंदर आपको ऐसा मोशन ब्लर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो बजट ब्रांड हो चाहे वो फिर एस्टैब्लिश ब्रांड का कोई टीवी हो। इसलिए ये मोशन ब्लर इज़ ओके। इस टीवी के अंदर आपको अपस्केलिंग कैपेबिलिटीज भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है, हर टाइप के फॉर्मेट को ये टीवी बहुत बखूबी प्ले कर पा रहा है। इस टीवी के अंदर आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड भी देखने को मिलता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर गेमर्स। अब बात करते हैं सैमसंग टीवी की पिक्चर क्वालिटी के बारे में, और इसके अंदर आपको बहुत वार्म कलर्स देखने को मिलेंगे। इसका पैनल काफी ब्राइट है, इसलिए आपको बहुत ब्राइट पिक्चर क्वालिटी देखने को इस टीवी से मिलेगी, और इसकी कॉन्ट्रास्ट रेशो बहुत अच्छी है, इसलिए आपको इससे ब्लैक्स भी बहुत डीप और बहुत शानदार देखने को मिलेंगे। ओवरऑल आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा और इस टीवी के अंदर आपको HDR परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। ओवरऑल पैनल की जो बैकलाइट LEDs हैं उसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए यह पैनल बहुत ब्राइट भी है, लेकिन इसके अंदर आपको मोशन ब्लर ज्यादा देखने को मिलेगा। एक नॉर्मल टीवी के हिसाब से अगर देखें तो थोड़ा सा ज्यादा, ऐसा नहीं कि आपको एक की जगह दो ऑब्जेक्ट्स दिखने लगेंगे इस टीवी के अंदर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन इन कंपैरिजन टू LG एंड सोनी, सैमसंग में आपको मोशन ब्लर थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा, विच इज नॉट अ कॉज ऑफ कंसर्न अकॉर्डिंग टू मी। अब बात करते हैं सोनी की पिक्चर क्वालिटी के बारे में, एंड आई मस्ट स्टार्ट विद अ वर्ड, मैग्निफिसेंट। बहुत ही ज्यादा शानदार कलर्स, एब्सोल्यूटली नेचुरल कलर प्रोफाइल, और IPS पैनल होते हुए भी आपको बहुत अच्छे ब्लैक्स इस टीवी से देखने को मिलेंगे। यू विल बी शॉक्ड टू सी दिस पैनल परफॉर्मिंग सो गुड। इस टीवी के अंदर आपको बहुत अच्छे ब्लैक्स, बहुत अच्छे कलर, बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट, सब कुछ बढ़िया देखने को मिलेगा, एंड पिक्चर क्वालिटी के हिसाब से आप इस टीवी से किसी टाइप की कोई कंप्लेंट नहीं कर पाएंगे। इस टीवी के अंदर HDR परफॉर्मेंस भी मेरे हिसाब से एक्सेलेंट है, इन दोनों टीवी से, बाकी दोनों टीवी से बहुत ज्यादा अच्छी। थोड़ा सा ही फर्क हो, लेकिन पिक्चर क्वालिटी के अंदर अगर थोड़ी सी भी बेटर परफॉर्मेंस आपको मिले तो वही बहुत बड़ा चेंज लेके आती है इन ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस। इस टीवी के अंदर आपको अपस्केलिंग कैपेबिलिटीज भी दोनों ही टीवीज के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा बेटर देखने को मिलती है, स्पेशली इन SD एंड HD चैनल्स। ये भी एक बहुत बड़ा प्रो है इस टीवी का। अब बात करते हैं हम तीनों ही टीवीज के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, क्योंकि उससे पहले आपके लिए टीवी खरीदना गलत होगा। मैं तीनों ही टीवीज की पिक्चर क्वालिटी के अंदर आपको इनके प्रोज बता चुका हूं, अब बारी है कॉन्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं LG टीवी के बारे में, और स्टार्ट करते हैं बेजल से। इस टीवी के अंदर बेजल साइज आपको मीडियम देखने को मिलेगा, ये बहुत स्लिम बेजल डिजाइन नहीं है जैसे आपको आज के बजट रेंज में आने वाले टीवीज के अंदर देखने को मिल रहा है। ये अगर आपके लिए प्रॉब्लम है या फिर एक ज्यादा बड़ा कॉन है तो फिर आप इस टीवी को स्किप कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम, इस टीवी के अंदर आपको HDR10 और HLG की सपोर्ट तो मिलेगी, लेकिन डॉल्बी विजन की सपोर्ट नहीं मिलेगी। वो सपोर्ट आप किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस से इस टीवी में नहीं ले सकते। इस बात को ध्यान से समझिए कि डॉल्बी विजन सपोर्ट एक पैनल का फीचर होता है, और अगर वो आपको पैनल में प्रोवाइड नहीं हुआ तो आप किसी भी तरीके से डॉल्बी विजन को नहीं अचीव कर सकते उस टीवी से। अगर आप नेटफ्लिक्स पे डॉल्बी विजन कंटेंट देखते हैं और वही ज्यादा देखते हैं तो फिर आपके लिए ये टीवी सही नहीं है, फिर आप कोई और टीवी देखिए। तीसरा कौन, इस टीवी के अंदर आपको कनेक्टिविटी ऑप्शंस कम मिलती हैं। अगर आप इस टीवी के साथ एक साउंड बार, एक सेट टॉप बॉक्स और एक गेमिंग कंसोल तीनों लगाना चाहते हैं तो आप वो इस टीवी के साथ HDMI के थ्रू नहीं लगा पाएंगे एक साथ, क्योंकि इस टीवी के अंदर आपको सिर्फ दो HDMI पोर्ट्स मिलते हैं। चौथा कौन,
ये टीवी 95% VA पैनल के साथ शिप हो रहा है। इस VA पैनल के अंदर आपको कलर्स और ब्लैक्स अच्छे मिलेंगे, लेकिन स्ट्रेट व्यूइंग एंगल से। जब आप एक्सट्रीम साइड पे बैठेंगे तो आपको 25% का कलर और ब्राइटनेस का लॉस इस टीवी में देखने को मिलेगा। वो एक VA पैनल की बेसिक प्रॉपर्टी होती है, वो आपको इस LG के पैनल में भी देखने को मिलेगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए और उसके बाद इस टीवी को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऑर्डर करना चाहिए, अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरता है तो। अब बात करते हैं सैमसंग टीवी के बारे में, और इसके कॉन्स बताने से पहले आपको एक छोटा सा प्रो बताता हूं इस टीवी का। इस टीवी के अंदर आपको थिन बेजल डिजाइन देखने को मिलता है, जो कि बहुत प्रीमियम दिखता है। अब बात करते हैं कॉन्स की। इस टीवी के अंदर आपको HDR, HDR10 और HLG की सपोर्ट तो मिलेगी, लेकिन डॉल्बी विजन की सपोर्ट आपको इस टीवी से भी नहीं मिलेगी। अगर आप डॉल्बी विजन कंटेंट ज़्यादा देखते हैं तो इस टीवी को आप स्किप करें और कोई और टीवी खरीदें। इस टीवी के अंदर आपको जो ऑडियो क्वालिटी मिलेगी वो काफ़ी मेरे हिसाब से एवरेज है। अगर आप 55 इंच का टीवी ले रहे हैं और उसे बड़े रूम में लगाएंगे तो आपको एक साउंड बार की इस टीवी के साथ ज़रूरत पड़ेगी ही। इस टीवी के अंदर आपको जो व्यूइंग एंगल्स मिलेंगे वो बहुत ज्यादा शानदार नहीं मिलेंगे, बिकॉज इट इज अ VA पैनल। आपको 25% का कलर और ब्राइटनेस लॉस इस टीवी में देखने को मिलेगा। ये एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है VA पैनल की, ये आपको याद में रख के ही इसे ऑर्डर करना है। और इस टीवी के अंदर आपको जो कलर प्रोफाइल मिलती है वो वार्म है, दैट इज नॉट नेचुरल। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेचुरल कलर प्रोफाइल, वेरी क्लोज टू नेचुरल कलर प्रोफाइल आपको LG में देखने को मिलेगी। इसमें बहुत ब्राइट पैनल जरूर है, इसका कॉन्ट्रास्ट रेशो बहुत अच्छी है, इसके ब्लैक्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन कलर्स इससे बेटर LG के हैं। इस बात का ध्यान रखिए, और लिंक्स मैंने दिए हैं इस टीवी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन उससे पहले एक चीज और सुनिए, यह है AUE 70, यानी क्रिस्टल प्रो मॉडल। अगर आप क्रिस्टल मॉडल लेते हैं जो कि नॉन प्रो मॉडल है, जिसे AUE 60 भी कहते हैं, उसमें और इस टीवी में सिर्फ एक डिफरेंस है। उस टीवी के अंदर आपको रिमोट के अंदर वॉइस असिस्टेंट का बटन नहीं मिलेगा, दैट इज इट। आपको वॉइस असिस्टेंट की सपोर्ट सिर्फ AUE 70 या फिर क्रिस्टल प्रो मॉडल में मिलेगी, क्रिस्टल में नहीं, AUE 60 में नहीं। अब आप सोच समझ के फैसला करिए, और जो मॉडल आपको पसंद हो उसे मेरे लिंक से जरूर खरीदिए। अब बात करते हैं सोनी टीवी के बारे में। इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, लेकिन मैं वो ऑलरेडी कर चुका हूं। अब बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में। इस टीवी के अंदर आपको मीडियम बेजल डिजाइन देखने को मिलता है, थिन बेजल डिजाइन नहीं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस टीवी के अंदर भी आपको डॉल्बी विजन की सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगी, यानी LG, सैमसंग और सोनी तीनों के बजट मॉडल्स के अंदर आपको डॉल्बी विजन की सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगी। इस टीवी के अंदर आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं, लेकिन कोई भी EARC पोर्ट नहीं है। ये एक बहुत डिसअपॉइंटिंग बात है कि सोनी ने इस टीवी के अंदर EARC पोर्ट की सपोर्ट नहीं दी, लेकिन वैसे कनेक्टिविटी ऑप्शंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर आपको 2 USB पोर्ट्स भी मिलते हैं और ऑप्टिकल पोर्ट और बाकी सभी जरूरी पोर्ट्स भी देखने को मिलते हैं, और डुअल बैंड वाईफाई कनेक्टिविटी ऑप्शन भी मिलती है। इस टीवी के अंदर आपको जो मोशन फ्लो XR100 टेक्नोलॉजी मिलती है वो मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा ही एडवर्टाइज्ड है, उसका इतना ज्यादा असर मैंने इस टीवी के अंदर देखा ही नहीं, इसलिए वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है और मैं उसे कौन ही बोलूंगा, क्योंकि मेरे लिए मोशन ब्लर में किसी टाइप की ज्यादा रिडक्शन मुझे उस टेक्नोलॉजी की वजह से देखने को नहीं मिली। इस टीवी की ऑडियो क्वालिटी, आई एम सॉरी दिस इज अ प्रो, बट इस टीवी की ऑडियो क्वालिटी बहुत ही ज्यादा शानदार है। आपको बहुत ही अच्छी ऑडियो क्वालिटी इन 20 वॉट के स्पीकर से सुनने को मिलेगी। मैंने अपने फुल रिव्यू के अंदर भी यही बात बताई है। आप अगर एक एवरेज यूजर हैं और आपको बहुत ज्यादा सिनेमैटिक ऑडियो की जरूरत नहीं है, तो ये 20 वॉट के ऑडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगने वाली है और आपको किसी भी साउंड बार की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इस टीवी के अंदर आपको जो आईपीएस पैनल मिलता है उससे आपको बहुत शानदार पिक्चर क्वालिटी और व्यूइंग एंगल्स मिलेंगे, उसमें भी आपको किसी टाइप की परेशानी सुनने को नहीं मिलेगी। बट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक छोटा सा कॉन और है कि इस टीवी के अंदर आपको थोड़ा सा ज्यादा प्राइस पे करना पड़ता है। सभी टीवीज के प्राइसेस अब आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। ये अब हम उस बारे में बात करते हैं जिससे आपकी सारी कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर हो जाएगी। आपको इन तीनों में से कौन सा टीवी लेना चाहिए? दोस्तों, हम टीवी खरीदते हैं अच्छी पिक्चर क्वालिटी के लिए। इन तीनों में से सोनी सबसे ज्यादा प्राइस का टीवी है, लेकिन उसमें आप सिर्फ ब्रांड वैल्यू के लिए नहीं, बहुत ज्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी के लिए भी पे करते हैं। अगर आपका टारगेट वो है तो आपके लिए सोनी से बढ़िया और कोई टीवी नहीं है। और अगर आप बजट में एक अच्छा ब्रांडेड टीवी लेना चाहते हैं तो एलजी या फिर सैमसंग, दोनों के मैंने आपको प्रोज एंड कॉन्स बताए हैं, आप इन दोनों में से कोई भी टीवी लेके गलती नहीं करेंगे। अब मैं आपकी एक लास्ट कंफ्यूजन और दूर करता हूं कि आपको सैमसंग या फिर एलजी या फिर एक बजट ब्रांड की टीवी को चुनना चाहिए। दोस्तों, कोई भी बजट ब्रांड का टीवी मेरे हिसाब से ज्यादा 5 साल की लाइफ के साथ आता है, 5 years ओनली। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन 5 साल के अंदर अंदर ही बजट ब्रांड के किसी भी टीवी का पैनल खराब हो जाएगा या इतना फीका पड़ जाएगा कि आपको उसे देखने में मजा ही नहीं आएगा। ऐसा सैमसंग और एलजी के टीवी के पैनल्स के साथ जनरली नहीं होता। ये एक मेजर कारण है कि आप सैमसंग या फिर एलजी का टीवी खरीदें बजाय एक बजट ब्रांड के। चॉइस इज कंप्लीटली योर्स। मैं बजट ब्रांड की टीवीज भी पूरी तरह रेकमेंड करता हूं, और जिनका बजट कम है, जो 5 to 7,000 रुपीज ज्यादा उस पर्टिकुलर साइज में एक टीवी के लिए नहीं दे सकते, उनके लिए बजट टीवीज आर परफेक्ट। लेकिन इन दोनों में से अगर आप कोई भी टीवी अफोर्ड कर सकते हैं और एक बजट ब्रांड के टीवी से अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड कर सकते हैं, देन आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप एक सैमसंग या फिर एलजी का कोई भी टीवी खरीदें। मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप ऑनलाइन टीवी खरीद रहे हैं तो प्लीज मेरे अफिलिएट लिंक से खरीदें, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे और आपको मेरी टीवी की रेकमेंडेड लिस्ट में भी मिलेंगे। आपकी हेल्प और सपोर्ट से हम इस टाइप का कंटेंट आपके लिए बना पाते हैं और आप तक अनस्पॉन्सर्ड कंटेंट ला पाते हैं, एंड आई विल बी रियली वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत करके हमने ये करने की कोशिश करी है कि हम इन तीनों टीवीज के बारे में आपको वो सारी बातें बता पाए जो हम देखते और महसूस करते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपका इन तीनों ही टीवीज को लेके कोई भी सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं तो लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं धीरे धीरे करके आप सभी के रिप्लाई जरूर करूंगा। और मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। और हां, मी टीवी 5X का मैं उसे खरीद के रिव्यू जरूर बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। बाल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं यार। चलिए दोस्तों, मिलता हूं आपको अपनी नए हेयर कट के बाद।